चलिए गाइस, तो हम आ गए हैं यहाँ पे रिवर साइड कैफे। बाय चांस। हे गाइस, हैप्पी न्यू ईयर 2022। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिंदास स्टोरी। मैं हूँ प्रीति शर्मा और मैं आप लोगों के लिए करने वाली हूँ ढेर सारी टूर व्लॉग। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं सबसे पहले हिमाचल और मैं दिखाती हूँ हिमाचल की आपको सबसे अच्छी अच्छी फेमस चीजें और आपको पूरा एंटरटेन करने की कोशिश करूंगी। तो देखिए हमारे होटल के बाहर का व्यू, लाइटिंग लग रही है और ठंडे तो पूछो ही मत। बापे, आए चाय पी लो। हम अभी रुके हुए हैं पे ब्रेकफास्ट के लिए, तो चाय पी रही थी। कैसी लग रही? अच्छी लग रही। ब्रेकफास्ट टाइम आलू पराठा, छोले, चाय। हम लोग आए आज वाटरफॉल पे, तो वाटरफॉल तो ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है, आप लोग देख सकते हैं थोड़ा बहुत, ज्यादा उसी में एंजॉय कर सकते हैं। मैडम दिख नहीं रहा है, बीच में कोई आ गया। मैडम साइड हटिए ना, आप लोग बताएं क्या कर रहे हो आप। हाँ, यही वाटरफॉल है मैडम। यही वाटरफॉल है, बट ऐसा कुछ खास हो नहीं रहा है। वाटर कहाँ है मैडम? वाटर तो नहीं दिख रहा है इसमें। ऐसे ही मजे ले लो ना यार, ये ना दिख रहा है आपको। अच्छा, तो वहाँ पे डाल देंगे। आए आपके लिए व्लॉग शूट करने के लिए। अरे भाई वो वाटर आ जाएगा क्या? थोड़ा सा तो मैनेज करिए ना बिना पानी के। ओ भाई, अरे वो वाटर आ जाएगा पोस्ट में। तो फाइनली थोड़ा सा वाटर मिल ही गया हमें, ऐसा नहीं है पूरा बैठ नहीं गया हमारा ट्रिप। तो देख सकते हैं थोड़ा सा पानी और इसी के साथ मजे करेंगे। आधा तो तुम्हारे ऊपर लटका हुआ है, वैसे बताएंगे नहीं। हे गाइस, मैं हूँ प्रीति। मैं आई हूँ अभी डल लेक पे, डलहौजी में, जो कि बहुत फेमस है। और मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ जो कि बहुत प्यारा है। बने रहिए मेरे साथ। ये देखिए गाइस, डल लेक का व्यू। यहाँ पे बहुत आइस गिरती है यहाँ पे, बट अभी इस साल अभी नहीं गिरी है, वैसे दिसंबर में गिर जाती है। तो ऐसे ही मैं व्यू दिखा रही हूँ आपको यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है। आप यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं आने के बाद में। और ये जो पानी दिख रहे हैं ना, ये जनवरी में यहाँ पे सब आइस हो जाता है यहाँ पे, और बहुत अच्छा लगता है। हाय फ्रेंड, हम हैं मकरोलगंज मार्केट। देखिए मार्केट का व्यू। हम लोग यहाँ पे घूमने आए हैं पंजाब, मकरोलगंज, हिमाचल। और मैं आगे दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। ये देखिए, बट सिर्फ गर्म चीज़ें मिल रही है। आइए आगे चलते हैं, इसके बाद जाएंगे हम लोग कहीं घूमने बर्फ वाली जगह पे। ऐसे ठंड बहुत है यहाँ पे भी, बहुत ज़्यादा ठंडी है, माइनस में टेम्परेचर चल रहा है यहाँ पे। अभी हाल फिलहाल में -2 है। ये देखो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मिल रहे हैं ठंडी के लिए। देखो मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे शॉप्स, बहुत सारे
यहाँ पे मिल गया मेरा फेवरेट गाजर का हलवा, जो कि मैं खाने वाली हूँ अभी। गुलाब जामुन गाजर का हलवा, पानी पूरी, ब्रेड पकौड़ा। वाह, गाजर का हलवा कैसे भैया? भैया गाजर का हलवा, ये है मकडोलगंज का फेमस कैफे। यहाँ पे देखिए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते रहते हैं, सब लोग, ये सब क्रिकेटर्स वगैरह सेलिब्रिटीज, ये सब लोग यहाँ पे आते हैं एंजॉय करने के लिए। हम लोग आए हैं यहाँ पे घूमने, अभी मस्त व्यू है यहाँ से। देखिए मकडोलगंज की पहाड़ियाँ, हिमाचल मकडोलगंज मार्केट, नीचे मार्केट है, ऊपर पहाड़ियाँ हैं। अब बाहर निकलने की हिम्मत नहीं बची है, तो गाड़ी में बैठे बैठे ये देखो यहाँ पे आई जमी हुई है मस्त, शकल दिखाने लायक बची नहीं है, ठंड से कांप रहे हैं अभी, ठंड में फटी पड़ी यहाँ सबके। यहाँ सनसेट पे आए थे हम लोग, बट ऐसा कुछ दिखा नहीं हमें। हे गाइस, हम लोग आए हैं अभी मूनलाइट कैफे डिनर के लिए, और ये देखिए यहाँ का लोकेशन बहुत मस्त लग रहा है, और धीरे धीरे डिनर रेडी हो रहा है। यहाँ पे कुछ लोगों का सूप आ चुका है, ये हमारी बुखड़ पार्टी बैठी हुई है, बट अभी सूप आया है डिनर आने। लाइट कैफे मकडोलगंज, बहुत अच्छा खाना मिलता है यहाँ पे, आप लोग आ सकते हैं एंजॉय के लिए, बट जो भी यहाँ पे आए ठंडे के कपड़े लेके आना प्लीज, ठंडी और आग का मजा लीजिए। अभी कोई व्लॉगिंग नहीं बन रही है भाई, ठंड में सबकी फटी पड़ी है। किसी की हिम्मत नहीं हो रही है व्लॉग बनाने की, बट मजा आ रहा है आगे आगे, आई लाइक इट। हे गाइस, तो दिन भर हम लोग वीडियो बना के घूम के पूरे मकडोलगंज में हिमाचल आ गए हैं अभी अपने रूम पे। तो आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप लोग यहाँ पे घूमने आ रहे हैं तो सर्दी के कपड़े लेके निकलिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, ठंड में सबकी हालत ख़राब हो गई है। हम लोग आए थे यहाँ पे 5-6 दिन रुकने के लिए, बट इतनी ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो हम लोग कल ही निकल रहे हैं वापस मुंबई के लिए। तो आप जो भी आ रहे हैं घूमने के लिए, यहाँ पे सर्दियों के कपड़े लेके आइएगा, और इतना आसान नहीं होता है व्लॉगर बनना, मुझे लगा था बहुत ईजी है, मैं जाऊँगी वीडियो बनाऊँगी, बट यार ठंड में घूम घूम के जो हालत ख़राब हुई है ना, अब समझ में आया है कि इतना आसान कुछ नहीं होता दुनिया में। तो देखिए, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करी है मैंने, दिन भर घूमी हूँ आप लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाने के लिए, आप लोग भी सपोर्ट करिए मुझे आगे, थैंक यू। ये देखो ब्लॉगर का हाल,
व्लॉग बनाने आई है, सो रही है। उठो उठो, व्लॉग नहीं बनाना। क्या हुआ? नहीं बना रहा। चलो उठो। नहीं क्यों, क्या हो गया? ठंडी, एक रजाई और उड़ा दो मुझे लाके। क्यों, व्लॉग नहीं बनाना? नहीं बनाना। बाय बाय।